निपट बनाएंगे। निपट बनाने के लिए चावल का आटा धो के सुखा के उसको पाउडर करके रखा है, तो ये एक पाव वाले ग्लास से मैं माप कर रही हूँ। तो 4 ग्लास वो चावल का आटा लिया है। आधा ग्लास बुगरे को ऐसा मिक्सी में पाउडर करके वो इसमें डाल रही हूँ, और आधा ग्लास उसी ग्लास में आधा ग्लास ऐसा दरदरा पीस के मिक्सी में वो भी डाल रही हूँ। 1 ग्लास मूंगफली को थोड़ा गर्म करके छिलका उतार के वो भी 1 ग्लास ऐसा दरदरा करके इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हींग, 1 मुट्ठी तिल माना 60 ml माना क्वार्टर कटोरा, 1 मुट्ठी जीरा ये भी क्वार्टर कटोरा, 1 मुट्ठी लाल मिर्ची पाउडर वो भी क्वार्टर कटोरा, 60 ml वाला कप होता है ना उसमें, और नमक भी 1 मुट्ठी, सब बराबर पड़ता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आधा ग्लास से थोड़ा कम तेल अच्छा गरम करके इसमें डाल देते हैं। एक खुरपी से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि तेल गरम है ना, हाथ नहीं डाल सकते हैं, इसलिए खुरपी से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इससे आटा सारा आटा गरम हो जाता है, गरम तेल डाला है ना, आटा सारा थोड़ा कोसा हो जाता है, थोड़ा गरम जैसा हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से जब मिक्स करते हैं ना, तभी वो निपट अच्छा खस्ता बनेगा। देखें ऐसा अच्छी तरह से इसको मिलाना है। देखिए ऐसा जैसा मिल जाता है ना, तो ऐसा होता है आटा। इसमें 1 मुट्ठी हरी धनिया बारीक धो के बारीक काट के वो भी इसी में डाल रही हूँ, और 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता वो भी बारीक काट के इसमें, ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये मिश्रण कितना अच्छा लग रहा है। इसको एक ही बार आटा नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा लेकर के बनाते हैं। इसको एक छोटे बर्तन में आटे को ले रहे हूँ, इसको पानी डाल के जैसे हम गेहूँ का आटा गूंजते हैं ना, ऐसा इसको गूंज लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से गूंज रहे हैं। इसको लोई बनाते हैं, पूरी के लिए हम लोई बनाते हैं ना, ऐसा लोई बना के एक थाली में रख लेते हैं। ये 2 जने मिलकर के बनाते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होंगे, आराम से बना सकते हैं। अकेले में थोड़ा होता है। देखिए ऐसा सारा आटे को लोई बनाया है, और इसको शेप कैसे देते हैं वो मैं दिखाती हूँ। अभी दूध का कवर ऐसा कट करके लिया है, इसमें ऑयल डाल के ग्रीस कर लेते हैं, और निपट बना करके एक पेपर पर, प्लास्टिक वाला पेपर पर, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। देखिए ऐसा, फिर इसमें ये लोई रख करके उसके ऊपर पेपर ऐसा ढक लेते हैं। फिर कोई भी एक टोली का प्लेट होता है ना छोटा सा, उस प्लेट से इसको दबाते हैं ऐसा। देखिए ऐसा दबाने से राउंड शेप आ जाता है। तो और भी शेप देने के लिए ये कटिंग वाला कटोरी जो होता है ना, उससे हम कट कर लेते हैं। देखिए ऐसा जैसे पानी पूरी में कटिंग करते हैं ना पूरी को, ऐसा इसको कट कर लेते हैं।
इसको उस ग्रीस किया हुआ पेपर पर डालते रहेंगे। देखिए दूसरा भी मैं अभी प्रेस करके दिखा रही हूँ। ऐसे सारे लोई को प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद 5 से 8 मिनट तक उसको सुखाना है। ऐसे ही प्रेस करके डालने से ना पूरी जैसा फूल जाएगा, तो निपट जो है फूलना नहीं चाहिए। निपट फूलने से ना वो पीस पीस हो जाता है, अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी। तो इसीलिए थोड़ा 5 से 8 मिनट तक इसको अच्छा सुखा करके फिर तेल में डालेंगे। देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया है। अभी एक एक निपट इसमें डाल रही हूँ। बहुत हिफाजत से डालना, तेल उड़ेगा। धीरे धीरे स्लाइड से हम छोड़ते जाएंगे निपट को, तो अपने आप वो अपना जगह पकड़ लेगा तेल में। देखिए ऐसा होगा। तो डालते ही उसको घुमाना नहीं चाहिए, 1-2 मिनट छोड़ देना चाहिए। फिर 1-2 मिनट छोड़ने के बाद एक एक करके ऐसा घुमाते हैं। गैस जो है थोड़ा मीडियम रखेंगे, क्योंकि अंदर तक पकना है ना, इसलिए तो ऐसा घुमाते रहना है। जब घुमाते रहेंगे तो चारों तरफ एक ही कलर आता है। देखिए जैसा बबल सारा स्टॉप हो गया है। जब बबल स्टॉप हो गया तब समझना कि ये निपट बनके तैयार हो गया है। अब ये निकाल रही हूँ। देखिए थोड़ा तेल सारा निकल जावे। इसको एक वो छेद वाला बर्तन में थोड़ा टाइम रख देंगे तो जो भी ऑयल है वो निकल जाएगा। अभी इसको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। ये 1 महीने तक आप रख करके खा सकते हैं, खिला सकते हैं। निपट रेडी।